रावण के साथ हुआ चुड़ैल का भी अंत। गुरुजी, हमारी सहायता कीजिए, उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय बताइए। हाँ पहाड़ी वाले गुरुजी, उसने हमारे गांव में आतंक मचाकर हमारी नाक में दम किया है, कोई तो रास्ता सुझाइए। एक रास्ता है, वो चुड़ैल रावण की भांति शक्तिशाली और आदमखोर है, तो उसे विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन ही उसे सिर्फ रावण के साथ ही जलाया जा सकता है, अथवा उसका नामो निशान मिटाना असंभव है। पर गुरुजी, ये कार्य तो बहुत ही कठिन है, हम उस चुड़ैल को रावण के साथ कैसे मार सकते हैं? देखो, चुड़ैल को अगर उसके बुरे वक्त में मारा जाए, यानी कि जिस वक्त वो बहुत कमजोर होगी, तो हमारा किया कार्य पूर्ण हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा शुभ समय। गुरुजी, जी गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, बहुत रात हो गई है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर गांव के लोग गुरुजी से विदा लेते हैं। आखिर गांव के लोग ऐसी कौन सी चुड़ैल से परेशान थे जिसके लिए उन्हें दशहरे के दिन ही चुड़ैल का अंत करना था? क्या उसका अंत हो पाएगा? जानने के लिए उस आदमखोर चुड़ैल के पास कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां वह जंगलों में रावण को पूज रही थी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः द्वा द्वा स्वाहा, ओम रावणम प्रस्तुति मम शरीरम शक्ति सुर नमस्त्या स्वाहा। आओ रावण असुर, अपनी भक्त को अपनी शक्तियों का वरदान दो। आओ रावण आओ, मुझे ताकतवर बना दो, ताकि कोई भी मेरा वध ना कर सके। वो ऐसा कहती है कि रावण की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलकर उस पर आती है, जिसके बाद वो कहती है, शुक्रिया असुर महाराज रावण, आपकी शक्तियों से मैं पूरी हो गई। अब मैं देखना कैसे इन लोगों की नाक में दम करती हूँ, दहशत मचाने का समय अब आ चुका है। ये कहते ही चुड़ैल के गांव में कदम रखते हैं। मौसम का मिजाज बिगड़ने लगता है, तेज आंधी और तूफान आता है, वह लोगों के घरों को जलाती है, अपने मुंह से आग निकालकर लोगों को डराती है, जिससे लोग अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम, कोई तो बचाओ हमें, अरे डाइन सुपर खा जैसी चुड़ैल और आ रही है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, इस चुड़ैल ने इस पूरे गांव को आग में झुलसा दिया है। अरे आखिर ये चाहती क्या है? मार डालूंगी मैं तुम सबको। अरे ओ काली चुड़ैल, कहीं की भगवान से डर, भले ये कलयुग हो पर यहाँ राम का नाम अभी भी लिया जाता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तूने खुद कहा ना कलयुग है, कलयुग यहाँ सिर्फ रावण की पूजा होगी, मेरे देवता रावण की शक्तियों से परिपूर्ण हूँ मैं, तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। और हाँ, अब से यहाँ राम का नाम कोई नहीं लेगा, सिर्फ रावण ही रावण होगा। अरे शर्म कर चुड़ैल, यहाँ भगवान का वास अभी भी है, लौट जा यहाँ से और रावण को छोड़कर राम का नाम जप, शायद तू बच जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर चुड़ैल बड़े से आकार में आ जाती है और अपने बड़े पैरों से झोपड़ी और घरों को कुचलने लगती है, मुंह से आग निकाल कर सब जला देती है। अरे अरे चुड़ैल, तेरा अंत निश्चित है, यहाँ कोई तो राम होगा जो तेरा वध करेगा। अपनी खुशफहमी से बाहर आ जाओ, ओके? बहुत जल्द दशहरे वाले दिन मैं और शक्तिशाली होकर इस खुशहाल गांव को वीरान शमशान घाट बना दूंगी, फिलहाल तो तुम अपनी जली हुई लंका में रह लो। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। तब जाकर लोगों में राहत की सांस आती है। एक महीना बीत जाता है, वह चुड़ैल रावण का नाम जपने के लिए सभी लोगों के मन में दहशत फैलाने की कोशिश करती है। वह रोज आकर उन्हें परेशान किया करती थी, पर लोग अभी भी अपने राम नाम पर डटे हुए थे। तभी परेशान होकर रमेश कहता है, आखिर हम कब तक उस जालिम चुड़ैल का जुर्म सहते रहेंगे? एक तो वो रावण की भक्त है और उसमें ऐसी शक्ति है, ऐसे में उसका खात्मा कौन करेगा? काश इस युग में भी रावण और उसकी बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए कोई राम होता। हाँ, मुझे लगता है इस वक्त हमारी मदद सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है आंटी? पहाड़ी वाले गुरुजी। ये कहते ही लीला उन सभी गांव वालों के साथ पहाड़ी वाले गुरुजी के पास पहुंच जाती है, अपने गांव पर इतने वक्त से बीती सारी व्यथा बताती है और गुरुजी कहते हैं, अब एक ही रास्ता है, उस शक्तिशाली चुड़ैल में रावण की शक्तियाँ समाई हुई है,
वो उस दिन हमें मारे उससे पहले हमें उस दिन रावण की भांति उसे भी जलाना होगा, वो भी रावण के साथ विजयदशमी वाले दिन। यानी गुरुजी जिस प्रकार रावण का अंत हुआ है उसी प्रकार इस रावणी चुड़ैल का भी अंत करना होगा। पर गुरुजी ये कार्य तो बहुत कठिन है, उसे हम किस प्रकार बांधेंगे? ये लो, ये राम नाम के जब से तैयार अखंड ज्योति की राख है, वो जैसे ही तुम्हारी ओर आएगी उस पर पैर पड़ते ही कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी। उसी वक्त तुम सबको उसे अच्छे से रस्सी से बांधकर मैदान में बना ठीक रावण के पुतले के पीछे उसे भी एक बल्ली से बांधना होगा, और शुभ मुहूर्त पर रावण की बहन के साथ उसका भी दहन करना होगा, तभी उसका अंत होना निश्चित है। शुक्रिया गुरुजी, अरे आप नहीं होते तो हमारा समाधान ही नहीं हो पाता। पर गुरुजी इसका ठीक मुहूर्त क्या है? याद रहे आज अष्टमी है तो मैं कल गांव में आकर मुहूर्त बताऊंगा, और परसों तुम सबको हिम्मत के साथ जुटकर उस चुड़ैल का रावण के साथ अंत करना है। शुक्रिया गुरुजी, अब हम चलते हैं। गांव के लोग वापस गांव में लौटते हैं। अगले दिन गांव में गुरुजी आकर कहते हैं, कल रात्रि 8 बजे शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, तभी तुम सब चुड़ैल को मारने के लिए किसी एक जने को जो राम नाम का जाप करता है उसके हाथ से रावण पर तीर चलवाना, रावण के पुतले के जलते ही वो भी जलने लगेगी। ठीक है गुरुजी। अरे भगवान के, राम नाम में सबसे ज्यादा लीन तो राम ही रहता है। राम, कल तुम्हें ही तीर चलाना है, डटे रहना। जी भैया। अगले दिन गांव में हर जगह विजयदशमी का ही माहौल था। गांव में सभी ने अपने घरों को दिए जलाकर जगमगा रखा था। साथ ही मेले में सभी लोग झूम रहे थे, कोई झूले झूल रहा था तो कोई गेम खेल रहा था। वहीं मैदान के बीचों बीच रावण का एक बड़ा सा पुतला था, जिसे देखकर चुड़ैल गांव की ओर आती है जहां बाबा का दिया भस्म बिछा हुआ था। आज के दिन मेरे प्रिय रावण देवता को मार दिया गया था, लेकिन मैं ये पुतला जलने नहीं दूंगी। चुड़ैल एक कदम और आगे बढ़ाती है कि बेहोश हो जाती है। उसी वक्त गांव के लोग होशियारी के साथ उसे कसकर बांध देते हैं और रावण के पुतले की ओर ले जाते हैं, जहां उसे खड़े करके उस बल्ली से भी बांध दिया जाता है। सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं, आखिर हम सबने कर दिखाया, अब बस शुभ मुहूर्त शुरू होने का इंतजार है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राम, तुम तैयार होना अपने बाण के लिए। बच्चों, मुहूर्त शुरू हो गया है, दहन करो इस रावण और चुड़ैल को। जी गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर राम बाण को लिए रावण पर निशाना साधता है। तुम्हारा अंत होने का समय आ गया है, सियापति रामचंद्र की जय। ये कहते ही राम बाण छोड़ देता है और रावण के पुतले में आग लग जाती है। फिर वह फूटता है और उसकी आग चुड़ैल पर गिरकर जलने लगती है, जिससे होश में आकर वह चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे बांधने की तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? कोई बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। चुड़ैल, तुम अपने ही लगाई आग में जल रही हो, तुम्हें हमसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। युग कोई सा भी हो पर राम सबके दिलों में बसे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने राम, आखिर हमने इस रावण के पुतले के साथ चुड़ैल का भी अंत कर ही दिया। तो फिर से कहो सियापति रामचंद्र की जय। इस तरह वह गांव चुड़ैल के खौफ से आजाद हो जाता है। रावण और चुड़ैल के अंत से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छाई बुराई पर भारी पड़ जाती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। भूत और चुड़ैलों का गाँव। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक पेड़ के ऊपर दो भयानक चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं। अरे देखो तो सुनो, हमारी उम्र तो बढ़ती ही जा रही है, अरे हमारी शादी कब होगी? ओहो, तुझे अपनी शादी की पड़ी है, अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। अरे तुझे करनी है तो कर, लेकिन मुझे कोई मौज मस्ती नहीं करनी, मुझे तो अब शादी की तड़प उठ रही है। अरे अगर इतनी ही शादी की तड़प हो रही है तो एक काम कर, हमारे भूतिया गांव में बहुत सारे भूत हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जा किसी को प्रपोज कर दे। लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा, मैं तो बाकी चुड़ैलों की तरह सुंदर भी नहीं हूँ। अरे तू कैसी बातें कर रही है, भला चुड़ैल सुंदर होती है क्या? अरे क्यों नहीं होती, सभी चुड़ैल सुंदर होती हैं,
लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुझे इसी भ्रम में जीना है तो तू जीती रहे, मैं तो जा रही हूँ। छाया वहाँ से उठकर चली जाती है और अपने घर में आकर सो जाती है। वहीं भूतिया गांव में सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बताएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक दूसरे के बालों को पकड़कर मार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ भूत एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। चारों तरफ भूतिया गांव में माहौल बिगड़ा होता है। गांव के सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। तभी एक अजीबो गरीब दिखने वाला भूत गाना गाता हुआ आता है। अरे आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फाल तू। कितना अच्छा गाना गाया है मैंने। तभी उसे चुड़ैलें देखकर हंसने लगती हैं। देखो तो सही, अपने गाने की खुद तारीफ कर रहा है। अरे भूत तो कितना बड़ा खोचू दिख रहा है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद भूत सबसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अरे यहाँ की सभी चुड़ैले मेरे ऊपर फिदा है। तुम नहीं जानते, मेरा जलवा जब आएगा ना तो सारी चुड़ैले बेहोश होकर गिर जाएंगी। अरे इसे तो चुड़ैलों के सपने भी आ रहे हैं। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? तेरे जैसी शक्ल वाले भूत को तो कोई चुड़ैल देखना भी पसंद ना करे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन हमारे गांव में मेरे जितना सुंदर और स्मार्ट तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है और भूतिया गांव के सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लगती है। कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं कब तक इसी तरह तड़पती रहूंगी? अब मेरी शादी की भी उम्र हो गई है, कब होगी मेरी शादी? वो चुड़ैल अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान होती है, जिसके बाद उसे उस पेड़ के नीचे एक भूत जानवर का शिकार करता हुआ नजर आता है। आज नहीं छोड़ूंगा इसको, आज तो इसको खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। भूत उस जानवर का शिकार कर रहा होता है, लेकिन वो जानवर उसके ऊपर हावी हो जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल उस जानवर को मार देती है, जिसके बाद वो भूत उससे कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल तो मैंने आज तक नहीं देखी, तुम तो कमाल की चुड़ैल निकली। तुम मेरी जितनी भी तारीफ करो, लेकिन इस तारीफ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। ये बात तुम्हें किसने कही है? अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। ऐसा कहकर वो उसे हौसला देने लगता है, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल रोने लगती है, जिसके बाद भूत उसे गले से लगाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी कमी लगती है अपने अंदर जिसके लिए तुम रो रही हो? हमारे गांव में मैंने तुम्हारी जितनी बहादुर चुड़ैल अभी तक नहीं देखी। अगर कोई तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल को देखेगा तो तुम्हारी तारीफ ही तो करेगा। कहीं तुम्हें मेरी तारीफ करने से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पहली बार किसी ने हमारे भूतिया गांव में मेरी तारीफ करी है, नहीं तो अब से पहले सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पागल है वो लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे मुझसे पूछो, तुम तो कोहिनूर का हीरा हो, हीरा। भूत और चुड़ैल की आपस में बातें होने लगती हैं। देखते ही देखते वो भूत और चुड़ैल एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद भूत चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, देखो मुझे गलत मत समझना, इस भूतिया गांव में मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं शादी करने के लिए
अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था, उसी दौरान मुझे तुम नजर आई। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? चुड़ैल ये सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, मैं भी अपने लिए एक भूत ढूंढ रही हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद मुझे कोई भूत नहीं मिल रहा, और अगर कोई मिलता भी है तो वो भूत मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, मैं तुम्हें भला इनकार कैसे कर सकती हूँ? भूत ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है। भूत की चुड़ैल माँ उसे देख कर कहती है, अरे बेटा, ये तो किसको अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली। अरे तो पागल हो गया है क्या? इसकी शक्ल तो देख, इससे अच्छी चुड़ैल तुझे नहीं मिली क्या? हमारे इस भूतिया गांव में कितनी सारी चुड़ैलें हैं, तुझे हमारे गांव में सिर्फ यही चुड़ैल मिली। अरे माँ, किसी की शक्ल से कुछ नहीं होता, उसका दिल देखना चाहिए, और इस चुड़ैल का दिल इतना साफ है कि मैं क्या बताऊँ, पूरे गांव में ऐसी चुड़ैल कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हें पता है, ये बहुत बहादुर भी है, आज जिसने मेरी जान भी बचाई है, वरना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाता। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अगर ये इतनी ही बहादुर है तो मैं इसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार हूँ, और पहली बात तो ये, मैं तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं देख सकती। अगर तू इस चुड़ैल से शादी करके खुश है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। माँ, मेरा यकीन कीजिए, ये चुड़ैल हमारे साथ अच्छे से रहेगी और आपकी पूरी सेवा भी करेगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझ रही हूँ, और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और आपके बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। कभी कोई भी परेशानी होने से पहले मैं आप दोनों की ढाल बनकर आपके दुश्मनों के सामने खड़ी रहूंगी। ये बात सुनते ही चुड़ैल माँ का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल को गले से लगा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने भूतिया पति के साथ खुशी खुशी भूतिया गांव में रहने लगती है। रेल पटरी, चुड़ैल और भूतिया हाथी। रात के 12 बजे एक बड़ा सा भूतिया हाथी अपनी पीठ पर डरावनी चुड़ैल को बिठाए एक रेल पटरी पर चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आती है, तभी ट्रेन के पहले डिब्बे में बैठा लोको पायलट सामने से आता बड़े हाथी को देखकर हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, इतना बड़ा हाथी ट्रेन के सामने आ रहा है, अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो गजब हो जाएगा, काफी बड़ा हादसा होगा जिसमें लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते ही ट्रेन चलाने वाला सीटी बजाता है, सामने से हटने के लिए भी चिल्लाता है, बतौर लाल झंडी भी दिखाता है, मगर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूतिया हाथी उसकी ओर आता है तो दूसरी तरफ से ट्रेन आती है, और देखते ही देखते ट्रेन उस भूतिया चुड़ैल और हाथी में से आर पार हो जाती है। इस नजारे को महसूस करके ट्रेन का पायलट बेहद डर जाता है। ये क्या था, ये कैसे हो सकता है, इस ट्रेन और चुड़ैल के बीच में से ट्रेन कैसे गुजर गई? जहां पायलट सोच में डूबा था, वहीं चुड़ैल हंसकर अपनी उंगली को घुमाकर इस ट्रेन को एक पुल के अंदर जादू से गिरा देती है, जिसके बाद उस ट्रेन के लोग मर जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी नहीं, मार डालूंगी जो भी इस रेल की पटरी पर आएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्यों मेरे प्यारे हाथी, तुम्हें अच्छा लगा ना? आखिर इस चुड़ैल और भूतिया हाथी की कहानी क्या थी, और क्यों ये लोगों को मारना चाहते थे, साथ ही इस रेल की पटरी से क्या राज जुड़ा था, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही शाम के वक्त एक आदमी अपनी कार से रेलवे फाटक को क्रॉस करता ही है कि चुड़ैल उसे कार समेत हवा में उठा देती है, जिस वजह से कार में बैठा शख्स डरने लगता है। तभी चुड़ैल उस कार को अचानक से रेलवे ट्रैक के बीचों बीच छोड़ देती है। उसी वक्त एक तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस कार को उड़ा देती है, जिसके बाद वो आदमी भी मर जाता है। देखा मेरे प्यारे हाथी, किस तरह मैंने इसे भी मार डाला, कहा था ना मैंने, जो भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल की बात सुनते ही हाथी की आंखें और लाल हो जाती है। हाथी के मन की बात समझकर वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे हाथी, हम दोनों इन सबको मार कर अपना बदला जरूर पूरा करेंगे,
उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेन अलग अलग पटरी से एक दूसरे के सामने से आ रही थी कि चुड़ैल और भूतिया हाथी अपनी आंखों के जादू से ट्रेन की पटरी को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसके बाद दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में काफी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन ट्रेन के हादसे की खबर हर अखबार में छप जाती है। लोग भी इस हादसे के बारे में सोचने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल और भूतिया हाथी को बहुत मजा आता है और वो खुश हो जाते हैं। इस तरह उस रेलवे ट्रैक पर आने वाले हर इंसान को दोनों मिलकर मार दिया करते थे। कभी तो हाथी अपने पैरों से लोगों को कुचल देता था। वहीं शाम 7 बजे एक औरत सब्जी का थैला लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर ही रही थी कि चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, आजा तुझे भी जिंदगी के बोझ से आजाद कर दूं। तो बिचारी कब तक ऐसे सब्जियां लाकर खाना बनाए करेगी, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इंसानी लोगों से मुझे बहुत नफरत है, जो भी इस रेल की पटरी पर आता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती, तो तुझे कैसे छोड़ दूं? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें आखिर मार ही डाला ना, अब तू भी मर। देखो मैं जानती हूँ तुम एक नेक दिल चुड़ैल हो, जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुम इस चीज की सजा मासूम लोगों को दे रही हो। मुझे अपना समझकर अपने दर्द को मुझसे बांटने की कोशिश तो करो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तू क्या मेरी मदद करेगी जब तू अपनी ही मदद नहीं कर सकती। फिर भी तेरी बात सुनकर मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने प्यारे हाथी के साथ यहाँ इसी जगह इसी जंगल में रहा करती थी। मैं एक महावत थी जो अपने प्यारे हाथी पर सबको सवारी करवाया करती थी। आओ आओ सब आओ, प्यारे हाथी की सवारी करो, केवल 5-5 रुपए में। अरे ओ महावत, जरा 1-2 चक्कर मेरे बेटे को भी लगवा दो, वो हाथी पर बैठने के लिए जिद कर रहा है। ठीक है आप बिठा दीजिए। अरे ओ मेरे प्यारे हाथी, जरा इस बच्चे को अपनी सैर तो करा। शीतल के ये बोलते ही उसका हाथी उस बच्चे को सैर करवाता है, जिसके बाद वो बच्चा खुश हो जाता है। बदले में शीतल उस बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेती। शीतल एक नेक दिल औरत थी, लेकिन गांव वालों को शीतल के साथ गांव में हाथी रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो जंगल में अपने हाथी के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहां अमीर सरकारी अधिकारी आकर नई रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हैं, जिसके बाद वो उस जंगल को हटाने के लिए वहां के पेड़ पौधों को बुलडोजर से कटवाने लगते हैं। ये देखकर शीतल सोच में पड़ जाती है और वहां रहने के लिए उन अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपने हाथी के साथ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी, हमें तो गांव से भी बेघर कर दिया, कम से कम आप तो हमें मत कीजिए, प्लीज ये कटाई रोक दीजिए, हमें जंगल में रहने दीजिए, यहाँ कोई रेल पटरी की लाइन मत बिछाइए। तुम होती कौन हो हमें ऑर्डर देने वाली? हाँ हम यहाँ रेल पटरी बनाकर ही रहेंगे, अपना रहने का बसेरा कहीं और ढूंढो, ले जाओ अपने हाथी को यहाँ से। साहब प्लीज मान जाइए। शीतल फिर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अधिकारी उसे धक्का देकर भगा देता है, जिसके बाद वो हाथी उस अधिकारी पर हावी हो जाता है। ये देखकर वो अधिकारी उस औरत और हाथी को छुपकर जहर खिलवाकर मार देता है और उसी जमीन के नीचे एक गड्ढे में उसे दफना देता है, जिसके बाद उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो रेल पटरी बना लेते हैं। तब से हम दोनों की आत्मा भटकने लग गई और लोगों की जान लेने लग गई, क्योंकि हमें बदला चाहिए था। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा पाती। मुझे पता था तुम हमें इंसाफ नहीं दिलवा सकती, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल उसे मारने ही जा रही थी कि तांत्रिक और गांव के लोग हाथ में मशाल लिए उस चुड़ैल और भूतिया हाथी की तरफ बढ़ते हैं और तांत्रिक अपने मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल को बंधक बना लेता है और गांव के लोग उस औरत को बचा लेते हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, बस चुड़ैल और भूतिया हाथी, तुम दोनों अब और लोगों की जान नहीं ले सकते, अब तुम्हारी जाने की बारी है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय भट बंधक, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, चली जा यहाँ से। नहीं नहीं तू ऐसा कुछ नहीं करेगा तांत्रिक। तांत्रिक के इतना मंत्र पढ़ते ही वो उस पर अभिमंत्रित भस्म डाल देता है, साथ ही गांव के लोग मशाल से उसे जला देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं और इस दुनिया से मुक्ति पा लेते हैं। चांद पर गरीब सास बहू का घर। गौरीपुर गांव में रहने वाली सास बहू दुर्गा और देविका माँ दुर्गा की भक्त थी। वे दोनों निश्चदिन माँ दुर्गा के मंदिर में आती और सीमित कमाई में फूल फलहार खरीद कर माँ की पूजन के बाद अपने दिन की शुरुआत करती थी। हे जगत जननी माँ दुर्गा, अपने दीन दुखियारी भक्त की भेंट स्वीकार करो माँ। माँ दुर्गा, हम सास बहू के दिन की शुरुआत आपकी दरस के दीदार के बाद ही होता है। आपके दर्शन करके मन को
बहुत प्रसन्नता मिलती है। पूजा अर्चना के बाद दोनों सास बहु काम की ओर अग्रसर हो जाती हैं। वह गांव में धनी सेठ सत्यपाल की हवेली में चौका बर्तन किया करती थी। सत्यपाल को पुरखों से शानो शौकत तो भरपूर मिली, मगर जहां बात देने की आती तो वह एकदम बनिए की नाई मक्खर बन जाता। अरे आओ आओ पधारो, तुम्हारी ही बाट जो रहा था। मालिक, आप तो जानते ही हैं मेरी बहू देविका गर्भ से है और गांव से हवेली तक के रास्ते का पड़ाव बेहद पथरीला है। बिरजू और उसके बाबूजी के जाने के बाद मेरी बहू और मुझ बूढ़ी सास की आस इसके कोक से ही बंधी है, इसीलिए डगर पार करने में जरा देरी हो गई। तुम सास बहू के बहानेबाजी से मैं उकता गया हूँ। रोजाना देरी से आती हो और उसके बाद ये दुखड़ा सुनाती हो। इस महीने में तुम दोनों की आधी पगार की कटौती करूंगा, तभी तुम सास बहू को सबक मिलेगा। अरे मालिक, माँ दुर्गा के वास्ते हम दीन दुखियारी सास बहू पर ऐसा जुल्म ना ढाओ। इस पैसे से ही हम सास बहू महीने भर अपना पेट पालती है। बाढ़ के तीर टल सकते हैं, मगर सत्यपाल के शब्द नहीं, समझी। सांझ होने पर दोनों सास बहू माँ दुर्गा के मंदिर आकर रोते बिलखते कहती हैं, माँ दुर्गा, आखिर हम सास बहू की भक्ति भाव में क्या कमी घटी रह गई। महीने भर की मेहनत के बाद हम सास बहू के हाथ केवल आधे पैसे आएंगे। लगता है माँ दुर्गा हम दुखियारन सास बहू से रूठ गई है, इसीलिए माँ ने नवरात्रि पर हमारे घर आने के द्वार बंद कर दिए, क्योंकि जो पैसे मिलेंगे वो बनिए के बकाए में चले जाएंगे। ऐसे में 9 दिनों की नवरात्रि के फलहार फूल इत्यादि कैसे आएंगे। धीरज धर बहू, माँ दुर्गा बड़ी दयालु है, वो किसी न किसी जरिए हम गरीब सास बहू की सहायता जरूर करेंगी। दोनों सास बहू बिना परिणाम के सोचे परिश्रम किए जा रही थीं। एक दिन जब वह काम कर रही थीं, तो सत्यपाल की पत्नी संजीता जोरों शोर से कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी आओ, गजब हो गया। क्या बात है भगवान, क्यों सारा घर सर पर उठाए हुए हो। आपने सालगिरह पर जो मुझे हीरो का हार दिया था वो मेरे श्रृंगार दानी से गायब है। मुझे तो इन सास बहू पर शक है, इन गरीब भिकमंगों का भला क्या भरोसा। अरे मालकिन, हम सास बहू सालों से यहाँ चाकरी कर रही हैं। माँ दुर्गा की सौगंध, हमने कोई चोरी नहीं की। सत्यपाल बिना उनकी सुने गुस्से से तिलमिलाकर बेरहमी से उनको घसीटते हुए गांव के बीचों बीच लाता है। अरे मालिक, मेरी बहू गर्भ से है, इतनी बेरहमी से उसे मत घसीटिए। क्या बात है सरकार, इस सास बहुरिया कुछ किए है का। इन दोनों ने हीरो का हार चुराया है। गांव की रीति रिवायत के अनुसार चोरी की सजा सभी जानते हैं। मेरे साथ मिलकर इन सास बहू को सबक सिखाओ। दोनों सास बहू का शरीर कई जगह से लहूलुहान हो जाता है, बावजूद इसके सारा गांव दुर्गा माँ की मंदिर के सोजे उन पर पथराव करके उन्हें घसीटते हुए गांव से निष्कासित करके गरीब दुखियारिन को दंडवत करता है। आ, आ, मेरा बच्चा, माँ। एकाएक देविका को प्रसव पीड़ा उठने के साथ रक्त का रिसाव शुरू होता है। अरे माँ दुर्गा के खातिर कोई तो मदद करो मेरी बहू की, उसे जच्चा की पीड़ उठी है। अरे कोई तो अपने घर में पनाह दे दो। जहाँ एक और बेबस बहू देविका दर्द से करहा रही थी, वहीं बूढ़ी सास लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। अपने बलबूते पर देविका बच्चा तो जनती है, मगर दुर्भाग्यवश उसका बच्चा मरा पैदा होता है। दोनों सास बहू से सकते हुए उसका दाह संस्कार करती हैं और एक जंगल में आती हैं, जहां वह एक बेहोश पुरोहित को देखती हैं। बहू, ये पुरोहित बेहोश हो गए, तो इन्हें देख मैं पानी का प्रबंध करती हूँ। दुर्गा दौड़कर पास पड़े एक घड़े के पानी को पुरोहित पर छिड़काव करती है, जिसके साथ पुरोहित बेहोशी से बाहर आते हैं। शुक्र है माँ दुर्गा का, बाबा, जो आप बेहोशी से बाहर आ गए। शुक्रिया, तुम सास बहू ने मिलकर मुझ मूर्छित की मदद की, मगर तुम्हारे मुखमंडल पर ये कैसी विकट विडंबना छाई है। पुरोहित के पूछने पर सास बहू अपनी आप बीती उनसे जाहिर करके फूट फूट कर रोती हैं। 9 माह की पीड़ा को सहन करने के बावजूद मेरा शिशु संसार में आंखें मूंदे हुए आया। हम सास बहू ने इन्हीं हाथों से उस नवजात को 2 गज की जमीन में दफन कर दिया। माँ दुर्गा, इस जालिम दुनिया में हम दीन दुखियारिन सास बहू
एक पल छिन नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं तुमके इस दुखदाई दुनिया से दूर भेज रहा हूँ। पुरोहित अपनी मंत्र सिद्धियों से एक सुनहरी पालकी प्रकट करके कहते हैं, आंख मूंद कर इस पर सवार हो जाओ। जब तुम नेत्र खोलोगी तो तुम खुद को संसार से परे चांद के नगर में पाओगी। कुछ ही देर में सास बहु धरती से चांद का सफर तय करती हैं, जहां सितारों से सजा और चांद से चकाचौंध घर देखकर गरीब सास बहु स्तब्ध रह जाती हैं। मुझे तो अपनी बूढ़ी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि हम सास बहु का बसेरा चांद पर बन गया है। माँ दुर्गे की महिमा अपरंपार है। माँ जी, काश हमारा मुन्ना भी हम सास बहू की इन खुशियों में शरीक होता। बहू, उन बुरी बातों को बिसार दे, कल से माँ दुर्गे की नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। सास बहू कभी चांद को निहारती तो कभी चांद पर बने अपने घर को। इसी बीच रात से सवेरे का सफर तय हो गया। बहू, हमारी किस्मत कितनी बुलंद है ना? कैसी माँ जी? जिस चांद की चाहत में चकोर पंछी सालों साल से सकता है, उस चांद पर हमारा आशियाना बस चुका है। जहाँ एक ओर दोनों सास बहू एक संग माँ दुर्गा की स्थापना और कथा पूजन करती हैं, वहीं गांव पर माँ दुर्गा के कोप का कहर टूटता है। पूरा पंच गांव के प्रांगण में एकत्र होकर बात कर रहे हैं। दो दिन के भीतर ही गौरीपुर गांव की सारी तालाब झील सूख गए हैं। ये प्राकृतिक आपदा का पहाड़ हमारी सोच से परे है। अरे लीला मौसी, सूखेपन के कारण सभी की फसल टूटी रह गई है, सब खाक होत जात है। ये आपदाएं यूं ही आती रहेंगी। तुमने माँ दुर्गा के भक्त सास बहु पर जो जुल्म बरसाए हैं, उस प्राकृतिक आपदाओं को माँ दर्श कर उसका पलटा ले रही है। मगर आप तो सिद्ध साधु जान पड़ते हैं, हमारी सहायता कीजिए। क्षमा करो, मगर मेरे हाथ बने हुए हैं। इससे पहले कि विकसित गांव पूर्णतया उजाड़ हो जाए, इन्हें इस गांव की सीमा में लाना होगा। इसकी खातिर तुम्हें चांद पर जाना होगा, क्योंकि उन सास बहू का बसेरा वहीं पर है। महाराज, अपने गांव के भावी भविष्य के लिए मैं अपने भूल का पश्चाताप करूंगा। पुरोहित पुनः अपनी सिद्धियों की शक्ति से सत्यपाल को पालकी में सवार करके चांद के पार पहुंचता है। दुर्गा देविका, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं, तुम्हारे चलते मेरे गर्भ का फल नष्ट हो गया। इससे पहले कि ये बेबस माँ तुम्हें बदुआ दे, लौट जाओ यहाँ से। ऐसा ना करो, मेरे बोए गुनाह की कटनी गांव काट रहा है। सभी के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, और भूल भूतकाल में मेरे हाथों से हुआ, उसे तुम ना दोहराओ। तुम्हें दुर्गा माँ का वास्ता। ये सुनकर दोनों सास बहु फौरन चांद पर बने अपने दुर्गा माँ की मूर्ति को लिए गांव आकर माता की गुहार लगाकर कहती हैं, हे जगत जननी माँ दुर्गा, दर्शन देकर इस गांव के दुखों को हर लो माँ। दीन जन तुम्हारी भक्त तुम्हारे द्वार पर खड़ी है माँ। अचानक माँ दुर्गा अवतार धरकर साक्षात उनके समक्ष आती हैं। देविका, दुर्गा, जब कोई मेरे श्रद्धालुओं को सताता है तो मैं उन्हें क्षमा नहीं करती, मगर तुम मेरी सर्वोपरि भक्त हो, इसीलिए मैं इस गांव से अपने कोप के कहर को वापस लेती हूँ। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सारा गांव पुनः हरा भरा हो जाता है। तालाब, झरने, झील जल से डावाडोल हो जाते हैं। सारा गांव निष्ठापूर्ण 9 दिन तक माँ की उपासना करता है। नवरात्रि के 9वें दिन सास बहु संपूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा को पूरी हलवे का प्रसाद अर्पण करके कंजक खिलाती हैं। साथ ही सत्यपाल संपूर्ण सम्मान के साथ उन्हें काम पर रख लेता है। ये थी गरीब सास बहु और महिमामयी माँ दुर्गा की एक झलक। अमीर और गरीब बहन की जिंदगी। ब्रिजेश और रमा देर रात जाग कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अजी, कौन से सोप के सागर में डूबे हुए हो? कुछ नहीं रमा, दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, उन्हीं के ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। अरे, दो बेटियों के ब्याह की बात कहाँ से आ गई? वो संध्या हमारी बेटी थोड़े ही है। भाई साहब की बदौलत बला बनकर हमारे सीने पर मूंग दल रही है। मगर है तो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब की बेटी, उसका ब्याह करना भी तो हम दोनों दंपत्ति के हाथों लिखा है। अरे, उस बला का ब्याह ऐसे किसी परिवार में कर देंगे जहाँ दान दहेज की कोई मांग ना हो।
और रही बात अपनी बिटिया के ब्याह की, तो उसमें मुझे कोई कमी घटी नहीं चाहिए। अरे काहे चिंता करती हो, स्मृति की शादी पूरे शानो शौकत के साथ होगी। दोनों दंपति भतीजी और बेटी के ब्याह के बीच का अलगाव उनके सौतेलेपन को सांचे में ढाल रहा था। संध्या अपने चाचा चाची ब्रिजेश और रमा और उनकी बेटी स्मृति के संग रहती थी। बचपन से ही रमा और ब्रिजेश संध्या से सारा कामकाज कराते, तब जाकर उसे मारी हुई रोटी मिलती थी। संध्या अब सयानी हो चुकी थी। सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के लिए रिश्ते आते हैं। संध्या, ये सुनील है, इन्होंने तुम्हें पसंद किया है। स्मृति, ये अनुराग है। छोटा परिवार शहर में बड़ा कारोबार है, जैसा तेरा सालों का सपना था। वैसे संध्या, सुनील की भी किराने की बड़ी सी दुकान और खूब सारी खेती बाड़ी है। ये चाचा जी बढ़ चढ़ कर झूठा बखान क्यों रच रहे हैं? मुझे संध्या से खुद बात करनी होगी। चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दफा संध्या जी से अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए संध्या सुनील एक कमरे में आते हैं। सुनील हिचकते हुए कहता है, संध्या जी, शादी को लेकर हर लड़की कई सपने संजोती है। मैं बतौर एक बनिया हूँ, संयुक्त साधारण परिवार से हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं। आप अगर अपने पांव पीछे करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंसान बड़ा सिर्फ अपने ओहदे से नहीं होता। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे पाला, मगर जिस स्नेह की आस मुझे उनसे थी वो अधूरी है। मुझे संयुक्त परिवार ही चाहिए जहाँ सभी स्नेह से रहते हो। संध्या के सच्चे स्वर सुनील के हृदय रूपी घर में गहरी छवि छाप छोड़ते हैं। एक ओर तो ब्रिजेश और रमा साधारण तौर से संध्या का ब्याह कर देते हैं, वहीं स्मृति की शादी शानो शौकत के साथ करते हैं। इस शादी के साथ दोनों बहनों के बीच अमीरी गरीबी की शुरुआत बढ़ती है। शादी की रात सुनील संध्या से कहता है, संध्या, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था, खोल कर देखो। जैसे ही संध्या डब्बा खोलती है उसके भीतर लाल रंग की साड़ी होती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्र है जो तुम्हें ये साड़ी पसंद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि शायद ये सस्ती साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अजी, तोहफे तन से नहीं मन से सस्ते हैं। मुझे ये तोहफा आपने तहे दिल से दिया है, पसंद कैसे ना आता। जहाँ एक ओर सस्ती साड़ी में भी संध्या की खुशियाँ परवान पर थी, वहीं एक झलक स्मृति पर प्रतिबिंबित करते हैं। हे माय ब्यूटीफुल वाइफ, दिस गिफ्ट फॉर यू गॉर्जियस। स्मृति बेसब्री से बॉक्स खोलती है जिसमें चमचमाता डायमंड सेट होता है। हीरो का हार, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। स्मृति, ये हीरो का हार देखकर तुम बच्चों की तरह उछल रही हो। वो अनुराग, मैंने इतना एक्सपेंसिव तोहफा पहले नहीं पहना। तो अब महंगे तोहफों की आदत डाल लो, तुम्हारा पति इस शहर का जाना माना बड़ा बिजनेसमैन जो है। दोनों बहनों की शादीशुदा जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। जहाँ स्मृति देर सवेर उठती, वहीं संध्या सूर्योदय के साथ उठकर घर बार के कामों का निपटारा करके दूर कुएं से पानी भरती। समय गुजरता गया। सुनील संध्या के लिए अक्सर घर लौटते हुए कचौड़ियाँ जलेबी लाता, वहीं अनुराग स्मृति को 5-स्टार होटल में खाना खिलाता। एक दिन स्मृति संध्या के ससुराल आती है। किससे मिलना है बिटिया? संध्या यही रहती है क्या? हाँ बिटिया, यही संध्या का ससुराल है। मैं उसकी सास हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, अरे पिंकी, जा जाकर चाची को खबर दिया कि शहर से उसकी बहन आई है। संध्या दौड़ती हुई बाहर आकर स्मृति के गले लगकर कहती है, स्मृति आजा, इस गरीब बहन के घर में तेरा स्वागत है। संध्या स्मृति को अपने कमरे में लाती है। स्मृति अटपटा सा मुंह बनाकर चारों ओर ताकने लगती है। क्या हुआ स्मृति, इतनी देर से क्या निहार रही हो? संध्या, ये है तुम्हारा ससुराल। इतने बिच्चम बिच्चे कमरे में मेरा तो दम घुट रहा है, और इससे चार गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम एरिया है। अरे शादी को साल भर भी न हुआ, ये फटी पुरानी साड़ी पहनती हो तुम, जरा भी नहीं जच रही है। मुझे देखो। स्मृति, ये साड़ी हल्की है इसीलिए पहनी है। अरे ये बहानेबाजी बनाना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ।
तुम्हारी घनघोर गरीबी साफ शब्दों में बयान हो रही है। मेरी बहन, सभी की किस्मत तुम्हारी तरह बलवान नहीं। मेरे पति ये परिवार अपने बलबूते पर चला रहे हैं। मगर जीजा जी मेरे पति का मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ वो गांव के बनिया और कहाँ अनुराग शहर के सफल बिजनेसमैन है। स्मृति अपनी अमीरी का बखान करके संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी कांता वहाँ आकर कहती है, संध्या बहु, पानी खत्म हो गया, सांझ होने से पहले पानी ले आओ। संध्या गागर उठाए अपनी बहन के साथ नदी की ओर बढ़ने लगती है। अरे संध्या, और कितना दूर जाना है? बस स्मृति, ये पुल का पड़ाव पार करते ही नदी शुरू हो जाएगी। ये लो, सफर पूरा हो गया। बाप रे, तुम्हें पानी भरने के लिए इतना दूर दराज आना पड़ता है? मेरे तो पैर कुमला गए। अरे मैं तो चार कदम भी पैदल नहीं चलती। अनुराग ने हाल ही में मुझे कार गिफ्ट की है ताकि मुझे पैदल ना चलना पड़े। पैसे के बिन जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होती। शुक्र है जो मैं अमीर हूँ, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी घनघोर गरीबी देखनी पड़ती। किसने कहा कि मैं गरीब हूँ? स्मृति, तुम्हारी और मेरी सोच एक दूजे से एकदम परे है। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मगर मेरे लिए परिवार और पति का प्यार लाखों करोड़ों की कीमत से बढ़कर है। प्लीज यार संध्या, ये बेफुसूल के प्रवचन देना बंद करो। अरे इन दो दकियन उसी शब्दों से हम दोनों बहनें सिमिलर नहीं हो जाएंगी। जीजा जी तुम्हारे लिए सिर्फ चंद पैसे की जलेबी कचौड़ी लाते हैं, मगर अनुराग हर बड़े बिजनेस ट्रिप के बाद मुझे 5-स्टार होटल में ले जाते हैं, आए दिन महंगे तोहफे, और अभी तो साल भर भी शादी को नहीं हुआ, उन्होंने मुझे शॉपिंग में सैकड़ों साड़ी लेकर दी है। मगर जीजा जी तुम्हारे लिए एक सस्ती साड़ी भी नहीं लाते। जॉइंट फैमिली में यही आफत है। बस स्मृति, तुम मेरी बहन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ससुराल की बेइज्जती करो। परिवार का प्यार बेहद बहुमूल्य है, रिश्ते बिकाऊ बिजनेसमैन नहीं मेरी बहन। संध्या के बोली सुनकर स्मृति कार में सवार होकर शहर आ जाती है। स्मृति कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ अनुराग, तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? तुम तो बड़े बिजनेस डील के लिए गए थे, उसका क्या हुआ? स्मृति, उन्होंने धोखे से मेरे बिजनेस शेयर्स साइन करवा लिया, साथ ही अपनी अमीरी की धौंस से मेरी कंपनी कब्जे में कर ली। मेरे सालों के साथियों ने इस बुरे दौर में मेरा साथ छोड़ दिया। बिजनेस स्टाफ को पैसे चुकाने के लिए बड़ी रकम चाहिए, हमें ये घर भी दांव पर लगाना होगा। स्मृति को उस घड़ी कुछ नहीं सुहा रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ उसकी गरीब बहन संध्या के स्वर गूंज रहे थे। आज स्मृति का अहंकार चूर चूर हो चुका था, उसे परिवार और पैसे दोनों के बीच का फर्क पूरे तौर से समझ आ गया था। आज स्मृति का संसार संध्या से भी कहीं ज्यादा दूभर हो चुका था। दोस्तों, पैसा रुतबा ईश्वर की देन है, अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। शायद ये ईश्वर की लाठी ही थी जो स्मृति पर पड़ी थी, जिसे आज वह घनघोर गरीबी में गुजर बसर करने को बेबस थी। ये थी हमारी अमीर गरीब बहनों की एक झलक।